सुनील जी, मैंने एक वीडियो देखा था काफ़ी टाइम पहले, जब योगी जी आए थे तब आपने बॉयकॉट बॉलीवुड पे उनसे कहा था, एंड उसके सर, उसके बाद पठान आई, पठान की बहुत बड़ी सक्सेस हुई, फिर अभी मैं मक्कर मूवी चल रही है रणबीर कपूर की, वो भी अच्छी चल रही है सर, एंड सबसे बड़ी बात कल ऑस्कर में नाटू नाटू को सबसे बड़ा खिताब मिला। सर, ये जो बदलाव आपने जब से योगी जी को कहा है और बदलाव आया, जो बॉयकॉट बॉलीवुड का जो बदलाव है सर, एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो रहा है सर, आप किस तरह से देख रहे हो इस चीज़ को? मैंने नेगेटिवली कभी देखा ही नहीं था। मेरे लिए मेरी कर्मभूमि है ये, इसने मुझे सब कुछ दिया। मैं तो साउथ को बिलोंग करता हूँ लेकिन ये मेरी कर्मभूमि है, तो ये मैं कभी नहीं भूल सकता। और एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा म्यूज़िक ने, हमारी कहानियों ने पूरे देश को जोड़ा है। आज अगर NRIs रिएक्ट करते हैं, यू नो, ये जनरेशन हो या अर्लियर जनरेशन हो, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक। आज वो नॉस्टैल्जिया म्यूज़िक का आप इस हंटर का भी देखिएगा, इट्स द म्यूज़िक दैट इज़ गेटिंग यू मोर एक्साइटेड देन प्रॉब्ली एनीथिंग एल्स। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया। तो हम तो हमेशा कहते आए हैं कि एक ही है, इट इज़ वन सिनेमा। CCL भी अगर हमने स्टार्ट किया था, एज अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, इट इज़ टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन वन प्लेटफॉर्म, टू ट्रीट एवरीबडी एज वन। ये तो 12 साल पहले हमने किया है, तो आज लोग बोल रहे हैं और लोगों का काम है कहना है यार, तो यू नो, लेट पीपल से थैंक यू, लेट देम से व्हाट दे वांट टू। हमारे लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विजय, जल्दी आना। हाँ, विजय को सबसे पहले बैठाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ जी, अरे सोलो कास्ट, ओके कास्ट सोलो। हाँ, वो जवाब है ना, वो बॉलीवुड को रोकना है तो ढोकना पड़ेगा। हो गया।